नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 7 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स एवं जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी MCC अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड टीम को जुलाई 2019 में लॉर्ड्स में ICC विश्व कप के फाइनल मैच में विवादास्पद परिस्थितियों में हार के बावजूद स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसी में मार्टिन जेनकिस की, तो जो मार्टिन जेनकिस MCC के पूर्व अध्यक्ष और टेस्ट मैचों में BBC के विशेष कमेंटेटर थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी और इसे भी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दिया गया। फ्रेंड्स, बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड में डॉलर यानी न्यूजीलैंडियन डॉलर करेंसी के रूप में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो ये पेटा है, अगर पेटा की फुल फॉर्म की बात करें तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, क्या पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। और फ्रेंड्स, तो इसी का यानी पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से एक किसे दिया गया है, जोकिन राफेल फिनिक्स जी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जो जोकिन राफेल फिनिक्स जी हैं, ये जोकर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी स्टार हैं और इन्हें ही पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, जोकिन फिनिक्स 3 साल की उम्र से ही शाकाहारी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी लंबे समय से पेटा के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हाल ही में टाइम्स स्क्वायर और सनसेट बिलबोर्ड द्वारा प्रदर्शित पेटा के एक विज्ञापन VR Animal में अभिनय किया था, जो कि जंगली जानवरों के सरकसों को प्रतिबंधित करने के लिए था, इसलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे लोक सेवा 2019 के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अरुण जेटली जी को यानी स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लोक सेवा 2019 के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अरुण जेटली जी की पत्नी संगीता जेटली जी ने ग्रहण किया। फ्रेंड्स, अरुण जेटली ने पूर्व वित्त मंत्री के अलावा भारत के कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था, जिसे मई 2014 से मई 2019 तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, मार्च 2017 से सितंबर 2017 तक रक्षा मंत्री और नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक सूचना और प्रसारण मंत्री, जुलाई 2003 से मई 2004 तक कानून और न्याय मंत्री और अक्टूबर 1999 से सितंबर 2000 तक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, ये सब साथियों मतलब पदभार जो है शामिल हैं, इन सभी पर उन्होंने अपने पदभार के रूप में संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना जो है यह गुजरात राज्य में की जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गुजरात। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संग्रहालय की, तो यह समुद्री अध्ययन या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में प्राचीन भारतीय स्थल पर मिलकर भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना करने का फैसला किया है। और फ्रेंड्स, बात करेगा तो भारत और किस सरकार ने मिलकर ऐसा किया है, तो भारत और पुर्तगाल सरकार ने ऐसा मिलकर यानी इस संग्रहालय की स्थापना की। और फ्रेंड्स, संग्रहालय हिंद महासागर के पानी में फ्रेंड्स शिप व्रेक स्थलों से बचाव सामग्री को प्रदर्शित करेगा। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के CM विजय रूपानी जी हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं एवं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला ईट राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया गया है?
तो यह देश का जो पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, यह मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन, ये ईट राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन को इस टैग से खाद्य सुरक्षा और खाने पीने के सामान में स्वच्छता के पालन, यात्रियों को स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने, रिटेल या सर्विंग पॉइंट और खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय और मौसमी भोजन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के आधार पर आंका गया है। इसलिए ईट राइट स्टेशन फ्रेंड्स टैग से इस रेलवे स्टेशन ने मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन को चुना गया है। और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना, प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं, अगर मुंबई की बात आई है तो मुंबई आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल है। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे जी नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैंड इन हैंड अभ्यास 2019 भारत और किस देश के मध्य 7 से 10 यानी 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य किया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो हैंड इन हैंड होता है ये भारत एवं चाइना के मध्य 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य किया जाएगा। फ्रेंड्स अब बात यह आती है क्यों किया जाएगा, तो यह जो भारत और चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद से निपटने के विषय पर 7 से 20 दिसंबर 2019 के बीच मेघालय के उमरोई में, कहाँ साथियों? मेघालय के उमरोई में 8वें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स 14 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास में चीनी दल की ओर से तिब्बत सैन्य कमान के 130 जवान और इतनी ही संख्या में भारतीय सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी इलाके में संयुक्त नियोजन और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना है। फ्रेंड्स अब बात आई है चाइना की, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग जी हैं और चाइना की मुद्रा रेनमिनबी है। रेनमिनबी फ्रेंड्स कुछ कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें, रेनमिनबी एंड युआन में। तो जिस प्रकार से भारतीय करेंसी रुपया है उसका एक पार्ट पैसा है, उसी प्रकार से रेनमिनबी का एक पार्ट युआन है। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नई रोटा वायरस वैक्सीन, क्या नाम है फ्रेंड्स? रोटा वैक 5D का अनावरण किसने किया है? तो जो ये रोटा वायरस वैक्सीन है फ्रेंड्स, रोटा वैक 5D, इसका अनावरण भारत देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने नई दिल्ली में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई नई रोटा वायरस वैक्सीन रोटा वैक 5D का अनावरण किया। रोटा वैक्सीन भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों के बीच सामाजिक भागीदारी और नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत 2022 तक, कब तक फ्रेंड्स? 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों में रोगग्रस्तता और मृत्यु दर को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। और फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी COP25 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी COP25 का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये स्पेन में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात है स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल मेड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अभिनेत्री को हाल ही में यूनिसेफ स्नो फ्लैग बाल में डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? कोई और नहीं, प्रियंका चोपड़ा जी हैं। और प्रियंका चोपड़ा जी को ही यूनिसेफ स्नो फ्लैग बाल में डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात आई है यूनिसेफ की, तो सबसे पहले ही पता होना चाहिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रमुख यानी यूनिसेफ के प्रमुख जो हैं हेनरिटा एच फोर जी हैं। कौन? हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है?
तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन? हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में राज्य का अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने मध्य प्रदेश में किया। कहाँ? मध्य प्रदेश। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स बात आती है कि मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। क्षेत्रफल रैंक में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो बात आती है पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो पहले स्थान पर राजस्थान है, यूँ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 69.32% है। टोटल लिंगानुपात 931 है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कमलनाथ जी हैं, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन जी हैं। मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है एवं टोटल विधानसभा सीट की संख्या 230 है। टोटल जिलों की संख्या 52 है। मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के अजय कुमार मित्तल जी हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है। एवं फ्रेंड मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। एवं राजकीय फूल सफ़ेद लिली है। राजकीय फसल की बात करें मध्य प्रदेश की तो सोयाबीन है। और फ्रेंड्स राजकीय खेल की बात करें मध्य प्रदेश का मलखम्ब ये राजकीय खेल है। लोक नृत्य कुछ फेमस मध्य प्रदेश से रिलेटेड चरकुला तथा मटकी डांस ये लोक नृत्य फेमस लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क फ्रेंड्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एवं वन विहार नेशनल पार्क। यूँ फ्रेंड्स माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बांध की बात करें फ्रेंड्स इंदिरा सागर बांध और बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध यह नर्मदा नदी पर बने हुए तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ मध्य प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट बांधों में से हैं। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो आंसर, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो कौन हैं? शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स टुडे क्यूज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 6 दिसंबर या 1 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में जरूर शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बनाएगा, उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय के अनुसार मिल जाया करें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी बेस्ट एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।